नेहा कक्कड़ की पंजाबी ससुराल में खूब खातिरदारी की जा रही है। नेहा को पंजाबी परिवार में सेटल होने में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि नेहा को पंजाबी भाषा अभी समझ नहीं आ रही है, लेकिन उनके पति नेहा की हर मोड़ पर मदद करें। ससुराल में इतना प्यार देकर नेहा कक्कर खूब रोई। जब नेहा कक्कर का ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया गया, तब भी नेहा की आंखें भर आईं। उसके बाद नेहा रिसेप्शन में भी भावुक हो गई जब रोहन प्रीत ने उनके लिए पंजाबी गाना गाया और वो इसका मतलब नहीं समझ पाई। नेहा रोहन से कहती हैं कि इसका मतलब तो बताओ। रोहन और नेहा के रिसेप्शन की कई सारे फोटोज और कई वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में रोहन नेहा से कहते दिख रहे हैं कि कभी मुझे छोड़कर मत जाना। खास बात कि बेटे की शादी वाले दिन ही मां का जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया। ये डेट खुद रोहन प्रीत ने सेलेक्ट की थी, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और वो अपने माँ के स्पेशल डे वाले दिन ही अपना स्पेशल डे बनाना चाहते हैं। जब नेहा शादी वाले दिन जयमाल के लिए आती हैं, तो वो सबसे पहले अपनी सास के पास आकर उन्हें जन्मदिन की बधाई देती हैं। सास बहू को गले लगाकर किस करती है और उन्हें आशीर्वाद देती है। सास ससुर के हाथों से आशीर्वाद लेकर नेहा अपने पेरेंट्स को याद कर भावुक हो जाती हैं। वो उस दिन बहुत ज्यादा रोती हैं। ससुराल वालों के प्यार में नेहा इतनी ज्यादा मग्न हो जाती हैं कि वो अपना हनीमून तक कैंसिल करने की बात कह देती हैं। नेहा का कहना है कि वो ये समय अपने मम्मी पापा के साथ बिताना चाहती हैं और वो हनीमून के लिए कुछ दिन बाद जाएंगी। अब क्या वाकई में नेहा ऐसा करने वाली है, वो जानना भी बहुत दिलचस्प होगा। इससे पहले नेहा कक्कड़ के लिए पहली रसोई वाली रस्म ने भी मुसीबत बना दी थी। नेहा कक्कर का स्वागत हुआ, ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाना हुआ, अंगूठी वाली रस्म हुई और अब बारी थी पहली रसोई रस्म की। वैसे तो ये रस्म कोई बड़ी या फिर मुश्किल वाली नहीं है, लेकिन नेहा कक्कर के लिए इस रस्म ने मुसीबत बना दी, क्योंकि वो पहली रसोई वाले दिन घबरा गई और सोचती रही कि अगर उनसे डिश अच्छी नहीं बनी तो ससुराल वाले क्या सोचेंगे, ताने तो नहीं मारेंगे। अब बेशक डिश अच्छी बनी हो, लेकिन नेहा पहले ही डरने लगी थी कि पता नहीं पहले ही दिन ससुराल वाले क्या ताने मारेंगे। चलिए बताते हैं कि पहले दिन नेहा से रसोई में कौन सी डिश बनवाई गई और उनके हाथों की बनी डिश खाकर ससुराल वालों का कैसा रिएक्शन था। पंजाब परिवार है तो डिश भी पंजाबी होनी चाहिए। ऐसे में पहले दिन नेहा से सूजी का हलवा या फिर जर्दा बनाया जाना था। सूजी का हलवा शायद आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन पंजाबी लोग हैं तो हलवा भी ड्राई फ्रूट्स और कई सारी चीजें डालकर इतना खास बनाया जाता है कि जिसकी खुशबू से पूरा घर महक जाता है। अब पंजाबियों का खाना पीना तो आपको पता ही होगा, तो नेहा का घबराना भी लाजमी है, लेकिन ससुराल वालों ने नेहा की पूरी मदद की। जर्दा जो चावलों का बनाया जाता है, एक तरह से जर्दा को मीठे चावल भी कहा जाता है। नेहा के ससुराल वालों ने पहली रसोई में नेहा की मदद की और उनसे हलवा बनवाया। नेहा ने इतना स्वादिष्ट हलवा बनाया कि पूरा ससुराल उनका दीवाना हो गया। बहू के हाथों से पहली डिश खाकर ससुराल वालों ने तारीफ की और उन्हें नेक के तौर पर खूबसूरत गिफ्ट दिए। फिलहाल तो नेहा के ससुराल में नई नवेली दुल्हन की खूब खातिरदारी की जा रही है। ससुराल में नेहा का स्वागत ही इतना भव्य किया गया कि नेहा भावुक होती दिखी। नेहा रोहन प्रीत ने दिल्ली के गुरुद्वारे में सात फेरी लेने के बाद पंजाब में ग्रैंड रिसेप्शन दिया। रिसेप्शन में नेहा ने व्हाइट लहंगे के साथ ग्रीन ज्वेलरी कैरी की हुई थी, वहीं रोहन प्रीत ब्लू कोट पैंट में नजर आए। ससुराल में नई नवेली दुल्हन के स्वागत में खास तैयारियां की गई थी, जिसे देखकर नेहा की आंखें भर आईं। ढोल नगाड़ों के साथ नेहा का ससुराल में स्वागत किया गया। अब पंजाबी परिवार है तो ढोल और नगाड़ों के साथ शोर शराबा होना तो जायज है। सास ससुर ने नई नवेली दुल्हन को बीच में खड़ा करके पंजाबी गाने गाकर स्वागत किया, जिसके बाद नेहा और रोहन भी खूब नाचते दिखे। इस मौके पर नेहा पिंक कलर का सूट पहने थी, मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ा और गले में मंगलसूत्र पहनी नेहा बेहद खूबसूरत दिख रही थी। वहीं रोहन प्री ट्रैक सूट पहने दिखाई दिए। उसके बाद नेहा के ससुराल की अंगूठी वाली रस्म की वीडियो भी खूब वायरल हुई। अंगूठी वाली रस्म में भी नेहा ने ही बाजी मारी। ससुराल वाले भी बहू को देखते ही रह गए।
नेहा की शादी में विशक परिवार और खास दोस्त ही शामिल थे, लेकिन सभी ने खूब इंजॉय किया। वो तो आपने सोशल मीडिया की फोटोज और वीडियो देखकर अंदाजा भी लगा लिया होगा। बीमारी को ख्याल में रखकर नेहा रोहन ने अपनी शादी में ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं किया, इसलिए सेलिब्रिटीज के तौर पर नेहा की शादी में उर्वशी रौतेला, टीवी अभिनेत्री उर्वशी ढोलकिया, यहां तक उर्वशी ढोलकिया नेहा की शादी के दिन कार ड्राइव करके नेहा को गुरुद्वारे तक लेकर गई थी। पंजाबी गीतकार बानी संधू, जस्सी खास तौर पर मौजूद थे। आपको बता दें, रोहन प्रीत नेहा के साथ कई म्यूजिक वीडियो में नजर आ चुके हैं। पिछले साल रोहन शहनाज गिल के साथ मुझसे शादी करोगे शो में नजर आए थे। शहनाज के स्वयंवर में रोहन प्रीत ने खूब मजे किए थे। रोहन प्रीत शहनाज के करीबी दोस्त भी हैं। शो में सना और रोहन की दोस्ती की केमिस्ट्री भी खूब देखी गई थी। तो अगर आपको भी ससुराल में नेहा के स्वागत की वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। नेहा के ससुराल वाले तो तब शॉक्ड हो गए थे जब ससुराल पहुंचने से पहले नेहा मीडिया में छा गई थी। वही नेहा कक्कर शादी करके अपने ससुराल तो पहुंच चुकी हैं। ससुराल में नेहा का जबरदस्त स्वागत किया गया। शादी के बाद नेहा कक्कर को उनके ससुराल वालों ने जब सुबह सुबह देखा तो वो सब देखते रह गए, क्योंकि ससुराल से पहले नेहा कक्कर की सूरत मीडिया में छप गई थी। सोशल मीडिया पर नेहा की फोटोज देखकर ससुराल वालों ने शाबाशी दी। दरअसल विदाई के बाद नेहा होटल से चेकआउट करके दोबारा अपने ससुराल आ रही थी, तभी उनकी कुछ प्यारी फोटोज ने लोगों का ध्यान खींच लिया। उनकी मेहंदी की रस्म से लेकर संगीत सेरेमनी, शादी के बाद फिर रिसेप्शन, इन सभी फंक्शन की फोटोज और वीडियो ने सोशल मीडिया पर जमकर हल्ला मचाया। अब जब नेहा की शादी हो गई तो शादी के बाद की फोटो देखने के लिए उनके फैंस एक्साइटेड दिखे। जी हाँ, नई नवेली दुल्हन के रूप में नेहा कक्कर की पहली फोटो सामने आ गई। वायरल फोटो में नेहा कक्कर अपने पति रोहन प्रीत सिंह के साथ दिखाई दे रही हैं। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले रोमांटिक पोज देते दिखाई दिए। ये फोटो होटल से चेकआउट करते वक्त क्लिक की गई। ऐसा लग रहा है कि इस दौरान पूरा होटल का स्टाफ न्यूली वेडेड कपल को बधाई दे रहा है। यहाँ फोटोज में नेहा कक्कर होटल के स्टाफ से फूलों का गुलदस्ता लेते हुए दिखाई दे रही हैं। नेहा कक्कर के लुक के बारे में बात करें तो उन्होंने ऑफ ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था। लाल रंग का चूड़ा और सिंदूर लगाए हुए बेहद खूबसूरत दिखी नेहा कक्कर। वैसे इस समय ये फोटो सोशल मीडिया पर धड़ाके से वायरल हो रही है। नेहा कक्कर ने 24 अक्टूबर को दिल्ली के गुरुद्वारे में रोहन प्रीत साथ साथ फेरे लिए। वही उसके बाद पंजाब में इन दोनों सितारों के परिवार ने एक ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी दी, जहां कई स्टार्स ने धूम मचाई थी। नेहा की शादी में जितनी ज्यादा रौनक दिखी, उससे कहीं ज्यादा नेहा के रिसेप्शन में रौनक देखने को मिली। नेहा ने 24 अक्टूबर को